RRR में अजय देवगन के बाद अब आमिर खान की भी एंट्री हो चुकी है। क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। SS राजा मौली कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते RRR के लिए, इसीलिए एक के बाद एक बड़े बड़े सरप्राइज अपने फैंस को देते ही जा रहे हैं। हाल फिलहाल में RRR का जो जूनियर NTR वाला लुक था वो सामने आया था, वो टीजर उसने धमाल मचा दिया था और साउथ की जितनी भी फिल्में हैं उनमें नंबर वन पे पहुंच चुका था ये टीजर व्यूज के मामले में और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। इसके अलावा जब रामचरण का एंट्री सीन दिखाया गया था, उनका लुक रिवील किया गया था, तो उससे चार चांद लग गए थे। और इसके अलावा फिल्म में बहुत कुछ खास होने वाला है। इन दोनों सुपरस्टार के अलावा आपको अजय देवगन, आलिया भट्ट भी दिखने वाले हैं। अजय देवगन के अपोजिट आपको श्रेया शरण नजर आएंगे, जो कि उनके साथ दृश्यम में भी नजर आ चुकी हैं। और अब दो बॉलीवुड स्टार तो ऑलरेडी इस फिल्म में है और तीसरे की एंट्री की खबरें आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आमिर खान का नाम जुड़ रहा है, द मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, यानी कि स्टार कास्ट लंबी चौड़ी होती जा रही है। लेकिन आपको बता दें, आमिर खान इस फिल्म में तो नहीं होंगे लेकिन उनकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी और वॉइस ओवर्स ने बहुत कमाल दिखाया है RRR के जितने भी हमें दिखे हैं, जैसे कि जूनियर NTR का हिंदी वॉइस ओवर आया था, फिर रामचरण का हिंदी वॉइस ओवर आया था, तो जान डाल दी है इस फिल्म में और इसका बज़ और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब आमिर खान की आवाज़ आपको कब सुनाई देगी? जब फिल्म में एंट्री होगी रामचरण और जूनियर NTR की, उससे पहले आपको आमिर खान का वॉइस ओवर सुनाई देगा, तब जाकर बॉलीवुड और टॉलीवुड के जो ये बड़े बड़े सितारे हैं वो आएंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉलीवुड के दो बड़े सितारे यानी कि जूनियर NTR और रामचरण स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के सितारों की भी भरमार हो चुकी है। SS राजा मौली पूरी तैयारी में है कि वो बाहुबली को टक्कर दें और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। हाल ही में जब रिलीज किया गया था सेट से जो शूट, जो टीज़र रिलीज़ किया गया था, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसने ही हैरान कर दिया था। मतलब वो ही लग रहा था कि वो पूरा का पूरा खुद में एक ट्रेलर लग रहा था। तो SS राजा मौली को भी मानना पड़ेगा, उनका जो विज़न है वो हिंदी सिनेमा को एक अलग ही पहचान दे रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचा रहा है। इस वक्त बॉलीवुड को भी SS राजा मौली और टॉलीवुड सिनेमा से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। RRR का बजट 400 करोड़ का है और वो साफ झलकेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, RRR जो फिल्म है उसको बाहुबली वीक का ही टारगेट किया जा रहा है, यानी कि मार्च एंड में जब बाहुबली आई थी, और देखना ये होगा क्या बाहुबली 2 को ये टक्कर देगी और 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करेगी, क्योंकि हमें तो लगता है। आपको इस बारे में क्या लगता है और RRR का कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।